एनटीपीसी की परियोजना के समीप आने वाले प्रखंडों के अंतर्गत गांव के दिव्यांगजनों के लिए दो दिवसीय कल्याणकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में पहले बरौनी एवं दूसरे दिन जिले के मटियानी प्रखंड में स्क्रीनिंग की गई। इसमें सैकड़ों लाभुकों ने उम्मीद की आस लगाए स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान दिव्यांगजनों के चेहरे खिलखिला रहे थे। इस अवसर पर एनटीपीसी के वरिष्ठ प्रबंधक केएन मिश्रा ने बताया कि सरकारी गतिविधियों के तहत एनटीपीसी परियोजना के आसपास आने वाले गांव में विकास कार्यों के संपादन करने के लिए निरंतर प्रयास करती है। उन्होंने बताया कि इस कैंप का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को सर्वप्रथम यह विश्वास जगे कि एनटीपीसी केवल बिजली के ही उत्पादन नहीं करती बल्कि समाज के विकास के प्रति भी निरंतर सजग है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य के मुताबिक लगभग 250 दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के उपकरणों से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है, लेकिन अधिक होने पर सभी को मदद की जाएगी। प्रबंधक ने बताया कि सर्वप्रथम दो प्रखंडों में सभी दिव्यांगजनों को स्क्रीनिंग किया जाएगा और अहर पाए जाने पर चरणबद्ध तरीके से एलिम्को की मदद से लाभुकों को उपकरण देकर लाभान्वित किया जाएगा। वरिष्ठ प्रबंधक केएन मिश्रा ने कैंप में सहयोग के लिए जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। कार्यकारी अपनी गतिविधियों के अंतर्गत निरंतर जो परियोजना के आसपास के गांव हैं या उससे संबद्ध जो भी गांव हैं उसमें विकास कार्यों का संपादन करने का प्रयास किया जाता है। और उसका मूलभूत लक्ष्य ये है कि लोगों के मन में ये धारणा बने कि एनटीपीसी सिर्फ विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में ही नहीं तत्पर है बल्कि आसपास के अपने सामाजिक सरोकारों को लेकर के भी सजग है। उसी के तहत ये एक कैंप एलिम्को कानपुर की संस्था है और जिला प्रशासन के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा उद्देश्य ये है कि बरौनी और मटिहानी ब्लॉक के जो गांव हैं उनके जो दिव्यांगजन हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और इस जांच के उपरांत जिनको अहर पाया जाएगा उनके लिए जो भी उपकरणों की आवश्यकता है उसको एलिम्को के द्वारा व्यवस्था की जाएगी कि पुनः कोई तिथि निर्धारण करके चरणबद्ध तरीके से उनका वितरण किया जाएगा ताकि उनको जन सामान्य को रोजमर्रा के जीवन में मदद मिल सके। और इस प्रकार के अन्य भी कोई चीज़ों की आवश्यकता है तो उसके लिए भी एनटीपीसी जुड़ी रहेगी और आगे भी ऐसे प्रयास करेगी। ये सर जिले के 18 प्रखंडों में दो प्रखंड को ही क्यों चयन किया गया है? देखिए, एक सवाल आपका बहुत ही वाजिब है। कोई भी कल्याणकारी गतिविधि अधिकतम जगहों में पहुँचनी चाहिए, बिल्कुल सही आपका है, लेकिन विषय वस्तु ये है कि जो CSR की गतिविधियाँ होती हैं या सामुदायिक गतिविधियाँ होती हैं उनका मुख्यतः संचालन जो परियोजना के हमारे क्षेत्र होते हैं उसके आसपास के जो ब्लॉक हैं पहले उनको वरीयता दी जाती है क्योंकि बजट की उपलब्धता उसी अनुसार होती है। यदि हम सभी क्षेत्रों को कवर करेंगे तो कहीं भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत में कंपनी अभी नई आई है, कंपनी ने अपना ऑपरेशन 3 वर्षों पूर्व शुरू किया है, अभी गत वर्ष कंपनी का COD हुआ है, तो शुरुआती दौर में जो नज़दीक के क्षेत्र हैं उनके मन में विश्वास बने कि कंपनी सिर्फ अपना व्यवसाय करने के लिए नहीं आई है बल्कि बाकी चीज़ों से जुड़ी है और शनै शनै जैसी आवश्यकता होगी इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। लेकिन शुरुआत में तो निश्चित रूप से लक्ष्य हमारा वही गांव है जो आसपास का परियोजना समीपवर्ती क्षेत्र है। कितने दिवसीय ये कार्यक्रम है? ये 2 दिवसीय था, एक दिन बरौनी ब्लॉक में था और एक दिन जो है मटिहानी में किया गया है। और एक दिन रखने का उद्देश्य ये था कि आज सिर्फ स्क्रीनिंग कैंप हो रही है, कोई वितरण का कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। स्वाभाविक से वितरण होता है तो उसमें समय लगता है, लोगों को बुलाना और उनकी कैटेगरी के हिसाब से किसी का आँख का समस्या है, किसी का पैर का है, बहुत विस्तारपूर्वक समय की विस्तारपूर्वक उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन स्क्रीनिंग में क्या है कि उनकी जो पहले से सर्टिफिकेट उपलब्ध है और जितने परसेंट उसकी डिसेबिलिटी लिखी हुई है उसके हिसाब से उनका वर्गीकरण किया जाता है। इसलिए 1 दिवसीय ये कैंप था, कल बरौनी में था, आज मटिहानी में। लगभग कितने मतलब लाभुकों को इससे लाभ मिल जाएगा, लक्ष्य क्या रखा गया है? शुरुआती दौर में तो कंपनी 250 से 300 लोगों को लक्ष्य लेकर के चल रही है, लेकिन हम अपने आप को सीमित नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि लाभों को अन्य देने की आवश्यकता है तो अतिरिक्त प्रयास भी करके हम अतिरिक्त लोगों को कवर करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका सर? जी, शुभ नाम आपका सर? मैं KN मिश्रा हूँ और वरिष्ठ प्रबंधक R&R NTPC बरौनी।